इस कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो हाईवे के किनारे पर अपनी कार रोककर फुटपाथ पर एक बॉल फेंकते हैं, और जब उनकी केट उस बॉल को लाने के लिए कार से नीचे उतरती है तो उसे छोड़कर वहां से चले जाते हैं, जिससे वो रेड केट बहुत दुखी होती है और उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो किसी तरह ट्रैफिक से बचती हुई वापस से फुटपाथ पर आ जाती है। यहाँ पर रेड केट को एक पेट डॉग मिलता है जो रेड केट को बताता है कि अक्सर लोग अपने पेट से बोर होने के बाद उन्हें यहाँ पर छोड़ जाते हैं। ये कहकर वो डॉग अपने ओनर के साथ वहाँ से चला जाता है। रेड केट को वहाँ अपनी तरह की एक ब्लैक केट दिखाई देती है, जिसे भी उसके ओनर यहाँ पर छोड़कर चले गए थे। और इससे पहले कि रेड केट उससे कुछ बातें करती, वो ब्लैक केट पास के घर में चली जाती है। इसीलिए वो भी उसका पीछा करते हुए उस घर में चली जाती है, जहाँ पर उसे एक खूंखार डॉग मिलता है जो रेड केट को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। रेड केट उस डॉग से बचती हुई एक अजीब से दिखने वाले घर के पास आ जाती है। डॉग जब उस अजीब से घर को देखता है तो डरकर वहाँ से वापस चला जाता है, क्योंकि सभी उस घर को श्रापित मानते थे। रेड केट उस घर के अंदर जाना चाहती है, लेकिन घर के अंदर जाने का दरवाजा बंद होता है, जिससे रेड केट बहुत दुखी होती है। तभी वो दो कबूतरों को देखती है जो घर के बालकनी से घर के अंदर चले जाते हैं। इसीलिए रेड केट भी घर के पास के बड़े से पेड़ पर चढ़कर किसी तरह घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि पूरे घर में अंधेरा होता है और चारों तरफ सामान बिखरे पड़े होते हैं। दरअसल ये घर लोरेंस नाम के एक बूढ़े मैजिशियन का होता है, जिसकी वजह से इस घर की सभी चीजें रहस्यों से भरी पड़ी होती है। यहाँ पर रेड केट को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कौन सी चीज कितनी खतरनाक है। रेड केट को मैगी नाम की एक माउस भी मिलती है, और जब रेड केट मैगी से बात करने की कोशिश करती है तो मैगी डरकर वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि रेड केट उसे खाने के लिए उसका पीछा कर रही है। अब मैगी भी भागते हुए अपने दोस्त जैक के पास आ जाती है। जैक रैबिट होता है। जैक जब रेड केट को घर के अंदर देखता है तो बहुत गुस्सा होता है और रेड केट को घर से बाहर निकाल देता है। दरअसल लोरेंस को जानवरों से बहुत प्यार होता है, इसीलिए उन्होंने बहुत से जानवरों को पाल रखा था, जिसमें मैगी और जैक भी होते हैं। जैक नहीं चाहता कि रेड केट भी उनके साथ इस घर में रहे, क्योंकि उसे डर होता है कि रेड केट के आने के बाद लोरेंस उनसे ज्यादा रेड केट को प्यार करने लगेंगे। घर के बाहर आकर रेड केट बहुत उदास होती है, और तभी बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बारिश से बचने के दौरान रेड केट एक बार फिर से घर के अंदर आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि लोरेंस अपने पेट्स और ह्यूमनॉइड गैजेट्स के साथ बहुत खुश होते हैं। दरअसल लोरेंस ने अपने मैजिक शो को परफॉर्म करने के लिए कुछ ह्यूमनॉइड गैजेट्स बनाए होते हैं, जो मैजिक शो को परफॉर्म करते समय उनकी मदद करते हैं। अब लोरेंस को किसी के आने का एहसास होता है, इसीलिए वो अपने ह्यूमनॉइड गैजेट्स और पेट्स को जल्दी से छुपने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके अलावा और किसी को उनके बारे में पता चले। तभी यहाँ पर लोरेंस का नेफ्यू डेनियल आ जाता है, जो एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन होता है, और वो लोरेंस के घर को बेचकर प्रॉफिट कमाना चाहता है। लेकिन लोरेंस अपना घर बेचने से साफ साफ मना कर देते हैं, मगर डेनियल उन्हें कन्विंस करने लग जाता है। मगर तभी उसे रेड केट की वजह से छींक आने लगती है, क्योंकि उसे केट से एलर्जी होती है, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। डेनियल को होने वाले एलर्जी से जैक और मैगी को शक होना शुरू हो जाता है कि जरूर एक बार फिर से रेड केट घर के अंदर आ गई है। डेनियल के जाने के बाद लोरेंस एक बार फिर से अपने ह्यूमनॉइड रोबोट्स और पेट्स के साथ बात करने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल उनको नींद लग जाती है। अब यहाँ पर जैक और मैगी रेड केट को देख लेते हैं, और जैक रेड केट को घर से बाहर भगाने के लिए उसका पीछा करने लगता है। लेकिन इस दौरान लोरेंस की नींद खुल जाती है, और वो अपने सामने रेड केट को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपनी फैमिली का नया मेंबर बना लेते हैं, जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। रेड केट को थंडर से डरता देखकर लोरेंस रेड केट का नाम थंडर रख देते हैं। लेकिन जैक और मैगी थंडर को अपनी फैमिली का नया मेंबर बनने से बिल्कुल भी खुश नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि अब लोरेंस उनसे ज्यादा थंडर से प्यार करेंगे। लोरेंस थंडर को अपने दो पिजन बर्ड्स कार्लो और कार्ला से मिलवाते हैं। इसके बाद सभी लोग मिलकर खूब मस्ती करते हैं, और थंडर भी इनके साथ खूब एंजॉय करती है। लोरेंस जब सो जाते हैं तो जैक थंडर के पास आता है, और थंडर को सूरज उगने से पहले ही घर को छोड़कर जाने के लिए कहता है। अब अगली सुबह थंडर लोरेंस के ह्यूमनॉइड रोबोट्स के साथ खूब मस्ती करती है, और यहाँ पर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जब जैक थंडर को अभी भी घर के अंदर देखता है तो गुस्से में थंडर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन लोरेंस बीच में ही जैक को पकड़ लेते हैं और उसे मैजिक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। दरअसल लोरेंस एक हॉस्पिटल में मैजिक शो परफॉर्म करने के लिए जाने वाले थे। अब थंडर भी लोरेंस के साथ जाना चाहती है, इसीलिए लोरेंस थंडर को भी अपने साथ ले जाते हैं। वो जब हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो लोरेंस हॉस्पिटल में
में छोटे बच्चों के सामने मैजिक शो परफॉर्म करते हैं, जिससे सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। थंडर भी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। अब ये लोग जब घर वापस लौट रहे होते हैं तो रास्ते में जैक थंडर को सबक सिखाने के लिए उसे तंग करने लगता है, जिसकी वजह से थंडर इधर उधर भागने लगती है और लॉरेंस की साइकिल अनबैलेंस्ड होने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट से थंडर बेहोश हो जाती है और जब उसकी नींद खुलती है तो खुद को फुटपाथ पर पाती है, जहाँ पर उसे वही डॉग मिलता है जो उसे पहली बार फुटपाथ पर मिला था। वो डॉग थंडर को बताता है कि एक्सीडेंट में लॉरेंस बुरी तरीके से घायल हो गए और हॉस्पिटल में एडमिट है। थंडर ये सुनकर बहुत दुखी होती है क्योंकि इसका जिम्मेदार खुद को मानती है। वही हम लॉरेंस को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और जैक मैगी के साथ अभी भी लॉरेंस के मेजिकल बॉस के अंदर कैद थे, लेकिन वो इस बात से बहुत खुश होते हैं कि फाइनली थंडर से उनका पीछा छूट गया। अब हॉस्पिटल में लॉरेंस से मिलने के लिए डेनियल आता है, जो लॉरेंस को मैजिक शो करने से मना करता है और लॉरेंस को अपना घर बेचकर एक आइलैंड पर बाकी की जिंदगी गुजारने से बिताने की सलाह देता है। लेकिन जब लॉरेंस अपना घर बेचने से मना कर देते हैं तो डेनियल गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और वो घर खरीदने का कोई दूसरा उपाय सोचता है। अब जैक और बाकी के पेट्स को डेनियल के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है कि डेनियल जरूर लॉरेंस के साथ कुछ बुरा करने का प्लान बना रहा है। कुछ समय बाद हॉस्पिटल में एडमिट वो बच्चे लॉरेंस से मिलने आते हैं, जिन्हें लॉरेंस हॉस्पिटल में मैजिक शो दिखाया करते थे। अब ये बच्चे गलती से लॉरेंस का मैजिक बॉक्स खोल देते हैं, जिससे कार्ला और कार्लो उड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। कमरे में होने वाले आवाज को सुनकर हॉस्पिटल की नर्स वहाँ पर आ जाती है, जो बहुत ही सख्त होती है और बच्चों को वहाँ से वापस भेज देती है। वही हम थंडर को देखते हैं जो लॉरेंस के घर वापस आ गई थी और अब यहाँ पर कार्लो और कार्ला भी आ जाते हैं, जो थंडर और बाकी के ह्यूमनॉइड रोबोट्स को लॉरेंस के हॉस्पिटलाइज होने के बारे में बताते हैं और साथियों इन्हें यह भी बताते हैं कि डेनियल जरूर लॉरेंस के साथ कुछ बुरा करने वाला है। कार्लो और कार्ला की बात सुनकर थंडर बहुत दुखी होती है और वो सभी लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहती है, क्योंकि लॉरेंस की गैर मौजूदगी में इन्हें किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ डेनियल एक बार फिर से हॉस्पिटल में लॉरेंस से मिलने आता है, लेकिन इस बार वो अपने साथ लॉरेंस के घर के कागजात भी लाया होता है और वो बड़ी चालाकी से लॉरेंस से उन कागजात पर साइन करवा लेता है और लॉरेंस के मेजिकल बॉस को लेकर उनके घर पर आ जाता है और अपने साथ घर को खरीदने वाले क्लाइंट्स को भी लाया होता है। अब थंडर जब डेनियल को नए लोगों के साथ देखती है तो समझ जाती है कि जरूर डेनियल इस घर को बेचने का प्लान बना रहा है, इसीलिए वो कार्ला और कार्लो से कहकर घर खरीदने आए क्लाइंट्स के ऊपर पोटी करवा देती है, जिससे वो लोग डेनियल पर गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। डेनियल को इससे बहुत गुस्सा आता है और लॉरेंस के मैजिक बॉस को घर के अंदर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब थंडर ह्यूमनॉइड रोबोट्स के साथ मिलकर जैक और मैगी को बॉक्स से बाहर निकालती है, लेकिन फिर भी जैक थंडर पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो लॉरेंस के एक्सीडेंट का जिम्मेदार थंडर को मानता है और उसे घर से बाहर निकल जाने को कहता है। लेकिन जब थंडर जैक को बताती है कि उसकी वजह से ही डेनियल घर के अंदर नहीं आ पाया क्योंकि उसे कैट से एलर्जी है, लेकिन अगर वो घर से बाहर चली जाएगी तो डेनियल किसी भी समय सभी लोगों को घर से बाहर निकाल देगा। जैक थंडर की बात बहुत पसंद आती है, इसीलिए वो थंडर को घर में रहने देता है, लेकिन पिंजरे के अंदर। अब अगले दिन डेनियल एक बार फिर से एक नए क्लाइंट के साथ वापस आता है, लेकिन जब इस बार कार्ला और कार्लो उस क्लाइंट के ऊपर पोटी करके उसे भगाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि डेनियल को ऐसा पहले से ही पता होता है। अब वो क्लाइंट घर देखने के लिए घर के अंदर एंटर हो जाती है, लेकिन डेनियल घर के अंदर नहीं जा पाता क्योंकि थंडर के घर में होने की वजह से उसको एलर्जी होना शुरू हो जाती थी, इसीलिए वो घर के बाहर ही रुकता है। अब डेनियल को शक होना शुरू हो जाता है कि जरूर इस घर में कोई कैट है, इसीलिए घर के बाहर से ही थंडर को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। अब घर खरीदना है क्लाइंट का डॉग, जो पहले ही थंडर को फुटपाथ पर मिल चुका था। वो जब थंडर को पिंजरे के अंदर देखता है तो बहुत मुश्किल से किसी तरह थंडर को पिंजरे से आजाद करा देता है, लेकिन इसी दौरान डेनियल भी घर के बाहर से थंडर को देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ जब क्लाइंट घर देख रही होती है तो मैगी उसे डरा देती है, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और गुस्से में अपने डॉग के साथ वहाँ से चली जाती है। थंडर पिंजरे से आजाद होने के बाद लॉरेंस के पास जाती है। थंडर को लगता है कि लॉरेंस उसके ऊपर गुस्सा करेंगे क्योंकि उसी की वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और लॉरेंस थंडर को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके एक्सीडेंट में थंडर की कोई गलती नहीं थी। थंडर को इससे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर हॉस्पिटल की नर्स भी आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो थंडर को देखती थंडर वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ डेनियल एक बार फिर से एक क्लाइंट को घर दिखाने के लिए लाया होता है और जब मैगी हर बार की तरह इस बार भी इस
क्लाइंट को डराने की कोशिश करती है तो इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि वो मैगी को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरते और उसे ग्लास में कैद करके आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर थंडर भी आ जाती है, जिसके आते ही डेनियल की एलर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है और वो जल्दी से घर से बाहर चला जाता है। इस क्लाइंट को लॉरेंस का यह घर बहुत पसंद आता है और वो इस घर को लेने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन तभी थंडर ह्यूमनॉइड रोबोट्स के साथ मिलकर उस क्लाइंट को बुरी तरह से डरा देती है और हर क्लाइंट की तरह ये क्लाइंट भी घर को हॉन्टेड समझकर उसे खरीदने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। डेनियल ये सब देखकर पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि हर बार क्लाइंट इस घर को हॉन्टेड बताकर वापस चले जा रहे थे। इसीलिए वो घर के अंदर की सभी चीजों को बाहर निकाल कर देखना चाहता है कि आखिर सच्चाई क्या है। वहीं दूसरी तरफ सभी थंडर की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि थंडर ने ह्यूमनॉइड रोबोट्स के साथ मिलकर इस घर को बिकने से बचाया था। लेकिन जेक और मैगी को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अभी भी थंडर से नफरत करते हैं। अब कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से डेनियल के कहने पर दो लोग घर के अंदर जाते हैं, जो घर के अंदर मौजूद सभी चीजों को बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन थंडर को पहले से ही पता होता है कि जरूर डेनियल घर के सामान को बाहर निकालने के लिए किसी को घर के अंदर भेजेगा। इसीलिए थंडर एक बार फिर से ह्यूमनॉइड रोबोट्स के साथ मिलकर उन लोगों को बुरी तरीके से डरा देती है और वो दोनों लॉरेंस के घर को हॉन्टेड समझकर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। डेनियल ये सब देखकर सच्चाई का पता लगाने के लिए खुद घर के अंदर जाता है, जहाँ पर जेक की वजह से थंडर डेनियल के सामने आकर गिरती है। थंडर को देखकर डेनियल उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो थंडर के करीब जाता है उसकी एलर्जी और भी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से डेनियल को घर से बाहर जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस को हॉस्पिटल की नर्स से पता चल जाता है कि डेनियल उसके घर को बेचकर पैसा कमाना चाहता है और लॉरेंस को एक आइलैंड पर भेजना चाहता है। लॉरेंस ये खबर सुनकर बुरी तरह से डर जाते हैं और जल्दी से वापस अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन पैर में चोट लगने की वजह से उन्हें घर जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि उनके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने में अभी समय होता है। अगले दिन डेनियल एक बार फिर से वापस आता है, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी करके आया था, इसीलिए उसके ऊपर थंडर की एलर्जी का कोई भी असर नहीं होता और डेनियल अपनी गन से लगातार थंडर के ऊपर शूट कर रहा होता है और थंडर किसी तरह डेनियल के वार से बच रही होती है। इसी दौरान एक बड़ा सा बॉक्स थंडर के ऊपर गिर जाता है, जिससे सभी को लगता है कि थंडर मारी गई। और अब लॉरेंस के सीक्रेट ह्यूमनॉइड रोबोट्स डेनियल के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। इस बात से डेनियल और भी गुस्से में आ जाता है और एक बड़े से मेटल बॉल की मदद से पूरे घर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिससे सभी बुरी तरीके से डरे हुए होते हैं। डेनियल जब जायंट मेटल बॉल से पूरे घर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है, इसी दौरान थंडर उस बॉक्स से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर बाकी के एनिमल बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ पर मैगी के ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा गिरने वाला होता है कि तभी थंडर उसे बचा लेती है, जिससे मैगी बहुत खुश होती है और अब उसे समझ आ जाता है कि थंडर एक अच्छी कैट है। वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस किसी भी तरह से अपने घर पहुंचकर सब कुछ देखना चाहती है, लेकिन वो अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें वापस नहीं जाने दिया जाता। यहाँ पर दो बच्चे जिन्हें लॉरेंस अपना मैजिक शो दिखाया करते थे, वो किसी तरह बहुत मुश्किल से लॉरेंस को हॉस्पिटल से बाहर निकाल कर उन्हें घर पहुंचा देते हैं। डेनियल को अपना घर तोड़ता हुआ देखकर लॉरेंस डेनियल पर बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन अगले ही पल डेनियल लॉरेंस को इस घर के कागजात दिखाता है, जिसके अनुसार इस घर का मालिक लॉरेंस नहीं बल्कि डेनियल होता है। अब यहाँ पर कार्लो डेनियल के हाथ से घर के कागजात लेकर वहाँ से उड़ जाता है, जिससे डेनियल बहुत गुस्सा होता है और वो मेटल बॉल की मदद से उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। अब जेक दरवाजे के बीच में फंस गया होता है, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा था। मैगी डेनियल से बचती हुई मशीन के अंदर चली जाती है और जब वो डेनियल के पास आती है तो डेनियल डिस्टेक हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर थंडर डेनियल के पास आ जाती है और डेनियल एलर्जी की वजह से मशीन को कंट्रोल नहीं कर पाता और मेटल बॉल डेनियल की कार पर गिर जाती है, जिसकी वजह से डेनियल की कार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब थंडर डेनियल के पास रहकर उसे अच्छा सबक सिखाती है और अब डेनियल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैगी भी अब थंडर की एक अच्छी दोस्त बन जाती है। अगले सीन में हम लॉरेंस को देखते हैं, जो एक बार फिर से सभी बच्चों को मैजिक शो दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। और अब जेक भी थंडर को अपने न्यू फैमिली मेंबर के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके ये वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।